मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। शादी कर लिया किससे? खतरा है मैं विनोद जी से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और हमने 14 अक्टूबर को शादी कर ली। आर्य समाज में की हमने शादी। फिर कोई तकलीफ आ रही है? जी सर, हमें तकलीफ, मेरे परिवार वालों से मेरी तकलीफ है। मुझे मेरे पति की सुरक्षा के लिए हम SP साहब के साथ मदद मांगने आए। क्या कोई धमकियां की मिली? जी, हम मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ना तेरे पति को हम मार देंगे, फेंक देंगे कटवा के। तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए SP साहब से मदद मांगने आए। कल को कुछ आर्य समाज में पुष्कर करो। मेरे राधा स्वामी ईसाई मल्ल सत्संग चौराहे रहते हैं, विनोद जी जॉन्सगंज में रहते हैं। डर लग रहा है? जी, मेरे घर वालों से मुझे डर है कि ना कोई कुछ वारदात ना कर दें, इसलिए मैं मदद के लिए आई हूँ। कल को कोई घटना हो जाए तो मैं उसका जिम्मा कौन लेता है? शादी के बाद आपको कहीं भेज दिया था? जी, मैंने घर वालों को मनाने की कोशिश की। 14 अक्टूबर को शादी, तो 15 तारीख को बताया, तो घर वाले नहीं माने, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था कहीं। तो फिर वहाँ मुझे धमकियाँ दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैंने फिर मैं वहाँ से कल वापस आ गई। आपका नाम? दीपा। 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम ऐसे प्रेम करता हूँ, ये उनसे प्रेम करती हूँ। हम दोनों साथ ही काम करते हैं छोटे मोटे, हम दोनों साथ में थे बहुत टाइम से, मतलब हमारा अफेयर चल रहा था बीच में। किस तरह से आपसे अफेयर हुआ था, कैसे जान पहचान थी? सर मैं क्या बोलते हैं, बहुत टाइम मतलब मैं जहाँ काम करता था उसके पास में रहती थी क्या, जहाँ मैं काम करता था वहाँ ये रहती थी। इस प्रकार मैं इसको जानता हूँ अच्छे से, इस चक्कर से ये मेरे जानने हमारे दोनों की पहचान ऐसे हुई, इस तरीके से हुई पहचान। अब कोई धमकियाँ मिल रही है आपको? धमकी तो क्या, वो जैसे इसके भाई ने जो हमारे को धमकी देने का प्रयास किया, उस हिसाब से हम SP साहब से मदद लेने आए, तो हमारी SP साहब थोड़ी मदद करेंगे, सुरक्षा देंगे हम दोनों को, इस हिसाब से हम यहाँ पे आए SP साहब। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार, मैं रहता हूँ जॉन्सगंज अवधपुरी के अंदर।